11 वर्षों बाद होली के मौके पर अपने घर जहानाबाद लौटे लेफ्टिनेंट रवि ने जहानाबाद एवं देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी एवं फौजियों के होली के बारे में बताया कि कैसी होती है बॉर्डर की होली। मालूम हो कि मुख्यमंत्री से सम्मानित वरिष्ठ शिक्षक राजीव कुमार रंजन के सुपुत्र हैं लेफ्टिनेंट रवि। अभी ऐसे मुश्किल से ही छुट्टी मिलता है, अभी तो मैं उधर LAC के पास पोस्टेड था, तो ऐसा अवसर मिला कि छुट्टी में मैं 11 साल बाद अपने घर पे आया हूँ। इसके पहले भी मैं ट्रेनिंग के दौरान अपने एकेडमी में, फिर उसके पहले कॉलेज में रहा था। तो 11 साल बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसे अपने घर पे वापस आके होली मनाने में, और इतने साल के बाद तो बहुत चीज़ मैं भूल भी गया हूँ कि पहले मतलब अपने जगह पे कैसे होली मनाया जाता था। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है अंदर से मुझे कि इतने सालों बाद अपने परिवार के साथ होली मनाने का मौका मिल रहा है। क्या कहेंगे शुभकामना के रूप में लोगों को? जिस तरह का प्यार लोग सेना के प्रति दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है अंदर से, मन प्रसन्न हो जाता है। और अभी आने के बाद भी कुछ लोगों से मिला मैं, जैसे लोग जिस तरह से वेलकम करते हैं कि जो भी हम सर्विस कर रहे हैं देश के लिए, ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है मेरे लिए। वहाँ होली का क्या, होली में कैसा रहता है, क्योंकि 11 साल बाद आ पाए हैं? जनरली उधर सब त्यौहार को मतलब एक तरह से मनाया जाता है, कोई ज़्यादा किसी धर्म से रिलेटेड या फिर ऐसा कुछ कोई अंतर नहीं होता है ज़्यादा। होली में अभी जैसे मैं अपने, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप आ गया है तो सब कुछ पता चलते रहता है, तो ऐसे जब अपने ग्रुप में देख रहा था तो आज वहाँ भी ऐसे कुछ प्रोग्राम है जिसमें जवानों के साथ जैसे सारे अफसर जवान मिलके होली मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगा के, थोड़ा गाना बजाना भी हो जाता है उसमें, एक मनोरंजन का एक स्रोत होता है हमारे लिए।